Hello everyone, in this video you will get to know how a function can return multiple values in Python. Unlike other programming languages, Python lets you return more than one value from a function. So Python mein kya hai, function ek se jyada values ko bhi return kar sakta hai. Okay, the return statement inside a function body should be of the following, should be of the form given below. So return jo statement hai function ki body mein, okay, wo agar multiple values return kar rahi hai to kaise करेगी, लाइक वैल्यू वन या वेरिएबल वन या एक्सप्रेशन वन कॉमा वैल्यू टू कॉमा वैल्यू थ्री लाइक दिस. ओके, तो दीज वैल्यूज आर कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज. ओके, द मल्टीपल रिटर्न वैल्यूज मस्ट बी आइदर स्टोर्ड इन टपल. तो देखो ये जो कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज हैं, ओके, तो उसको कॉलर, ठीक है, वो फंक्शन जो क्या कर रहा है, फंक्शन को कॉल कर रहा है, उसको कॉलर फंक्शन हम बोलते हैं. कॉलर फंक्शन उसको कैसे रिसीव करेगा, एज अ टपल रिसीव करेगा. और वी कैन अनपैक द रिसीव्ड वैल्यूज बाय स्पेसिफाइंग द सेम नंबर ऑफ वेरिएबल्स ऑन द लेफ्ट ऑफ द फंक्शन कॉल. या तो आप उसको एज अ टपल, जो भी वैल्यूज रिटर्न हो रही है फंक्शन से, ठीक है, वो या तो एज अ टपल आप उसको स्टोर कर सकते हैं, या फिर आप उन मल्टीपल वैल्यूज को मल्टीपल सेम नंबर ऑफ मल्टीपल वेरिएबल्स में स्टोर कर सकते हैं. ओके, इसको अभी हम प्रैक्टिकली करके देखते हैं. ओके, तो हमारी यहाँ पे हेडिंग हम ले लेते हैं मल्टीपल रिटर्न वैल्यूज स्टोर्ड इन टपल, राइट, डेफ कीवर्ड. ओके, डेफ कीवर्ड आपने यूज किया है, डेफ मींस डिफाइन. आप फंक्शन का नेम ले लो कैलकुलेट, राइट, इसके अंदर मैं दो पैरामीटर्स पास कर देती हूँ, ए बी, और ये क्या रिटर्न कर रहा है, ये रिटर्न कर रहा है ए प्लस बी. ओके, ए माइनस बी, फाइन, ए इंटू बी, ए डिवाइडेड बाय बी, ओके, एंड ए मॉड्यूलस बी, राइट. तो ये हमारा क्या है, फंक्शन है कैलकुलेट नेम से. ओके, अब हम क्या करते हैं, जो हमने क्या किया है, ए और बी की वैल्यू हम क्या करते हैं, यूजर से इनपुट करा लेते हैं. तो हमने इन फंक्शन का यूज किया, इनपुट, इनपुट में आपने प्रॉम्प्ट दे दिया एंटर नंबर वन. ओके, एंटर नंबर वन, नेक्स्ट आप इनपुट करा लो एंट इनपुट. ओके, एंटर नंबर टू, राइट. ओके, आपको पता है इनपुट फंक्शन की हेल्प से आप यूजर से इनपुट कराओगे वैल्यू को. ओके, और वो वैल्यू किस में कन्वर्ट हो जाएगी, इंटीजर में, बाय यूजिंग द इन फंक्शन. ओके, अब हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल लिया रिजल्ट, राइट, और फंक्शन कॉल कर देते हैं यहाँ पर कैलकुलेट, और कैलकुलेट में हम आर्ग्यूमेंट पास करेंगे नम वन एंड नम टू. जो भी आप वैल्यूज नम वन एंड नम टू में दोगे, ओके, तो वो कहाँ चली जाएंगी, ए और बी में चली जाएंगी. ओके, जब आप यहाँ पे क्या हो रहा है, फंक्शन कॉल हो रहा है, तो नम वन की वैल्यू ए में चली जाएगी, नम टू की वैल्यू कहाँ चली जाएगी, बी में चली जाएगी, फाइन. ओके, अब हम क्या करा देते हैं, प्रिंट करा देते हैं, प्रिंट. अब देखो यहाँ पे जो ये आएगा a प्लस बी कोमा a माइनस बी, ये क्या है, कोमा सेपरेटेड वैल्यूज हैं. ओके, तो जब ये रिटर्न होंगी, ओके, तो ये किस फॉर्म में यहाँ पे रिसीव होंगी, ये टपल की फॉर्म में रिसीव होंगी, जो रिजल्ट वेरिएबल में जाके स्टोर हो जाएंगी, फाइन. तो मैं यहाँ पे रिजल्ट को शो कर देती हूँ, रिजल्ट इक्वल्स टू ले लो, ठीक है, और यहाँ पे हमने दे दिया अपना वेरिएबल रिजल्ट. ओके, एंड आप देखना चाहते हो कि वैल्यूज किस डेटा टाइप की हैं, तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे हम ले लेते हैं स्टेटमेंट टाइप ऑफ रिटर्न वैल्यू, टाइप फंक्शन का यूज करेंगे टाइप. ओके, एंड टाइप फंक्शन में आप रिजल्ट वेरिएबल को पास कर देंगे,
फाइन राइट ओके। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये वैल्यूज क्या है, कोमा सेपरेटेड वैल्यूज हैं, दीज आर कोमा सेपरेटेड वैल्यूज। जब फंक्शन कॉल होगा राइट तो क्या होगा, आपका ये जो डेफ कैलकुलेट, जो कैलकुलेट फंक्शन है ये एग्जीक्यूट होगा, एग्जीक्यूट होगा, वैल्यू रिटर्न होगी, ये वैल्यू किस रिटर्न होके कहाँ आएंगी, ये फंक्शन कॉल को ओवरराइड कर देंगी, मतलब फंक्शन कॉल यहाँ से हट जाएगी और ये वैल्यू इसके प्लेस पे आ जाएगी, ये वैल्यू जो भी, और ये कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज है ओके, तो ये कैसे रिसीव होंगी, एज अ टपल रिसीव होंगी राइट, और ये रिजल्ट वेरिएबल में जाके स्टोर हो जाएंगी ओके। अब यहाँ पे आपने रिजल्ट को क्या किया है, प्रिंट करा दिया है और आपने रिजल्ट का डेटा टाइप भी प्रिंट करा दिया है ओके। नाउ लेट अस एग्जीक्यूट दिस ओके। अब हमारे पास प्रॉम्प्ट आ गया एंटर नंबर वन, तो हम यहाँ पे नंबर वन एंटर कर देते हैं, लेट अस सपोज मैंने कर दिया 10 राइट, एंटर नंबर टू दिस इज 2, एंटर नंबर टू ओके। अब देखो ये आपका रिजल्ट आ गया है, फर्स्ट में आपका एडिशन होके आ गया है 12 ओके, देन सब्ट्रैक्शन 8, देन क्या हुआ a इंटू बी 20 आ गया है, a डिवाइडेड बाय b 5 आ गया है एंड a मॉड्यूलस b, डेट मीन्स रिमाइंडर आपका 0 आ गया है ओके। तो ये देखो किस फॉर्म में आया है, रिजल्ट टपल की फॉर्म में आया है ओके, कोमा सेपरेटेड वैल्यूज विच आर एनक्लोज्ड इन द पैरेंथेसिस राइट। अब आपने नीचे क्या दिया था, टाइप ऑफ रिटर्न वैल्यू, तो टाइप ऑफ रिटर्न वैल्यू यहाँ पे आया हुआ है क्लास टपल राइट। नेक्स्ट हम क्या कर सकते हैं, हम इसको टपल टप वेरिएबल में स्टोर ना करके सेम नंबर ऑफ वेरिएबल्स में स्टोर कर सकते हैं राइट। तो यहाँ पे मैं लेती हूँ मल्टीपल रिटर्न वैल्यू स्टोर्ड इन वेरिएबल्स वेरिएबल्स राइट। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो हमारा आएगा रिजल्ट, फंक्शन कॉल का रिजल्ट आएगा, उसको हम अलग अलग वेरिएबल में स्टोर कर देंगे। जैसे मैंने यहाँ पे दे दिया एड सब्ट्रैक्शन ओके मल्टीप्लिकेशन डिवीजन एंड मोड राइट ओके। और यहां पे हम प्रिंट करा देते हैं सम ऑफ गिवन नंबर्स ओके एंड यहाँ पे आप दे दो एड वेरिएबल सम, जो a प्लस बी वो कहाँ जाके स्टोर हो जाएगा, एड वेरिएबल में a माइनस बी सब में ओके, a इंटू बी मल्टीप्लीकेशन में, a डिवाइडेड बाय b डिव वेरिएबल में एंड a मॉड्यूलस b मोड वेरिएबल में ओके। तो अब हमने यहाँ पे दे दिया प्रिंट सम, इसको हम क्या करते हैं कॉपी कर लेते हैं इस लाइन को राइट कंट्रोल वी। अब यहां पे सम की जगह हम कर देते हैं सब्ट्रैक्शन ऑफ गिवन नंबर्स, सब्ट्रैक्शन ऑफ गिवन नंबर्स सब ओके एंड नेक्स्ट हमारा है प्रोडक्ट ऑफ गिवन नंबर्स मल्टीप्लिकेशन ओके, देन हम यहां पे डिवीजन कर देंगे डिवीजन ऑफ गिवन नंबर्स डिव एंड लास्ट आपका हो गया मॉड्यूलो ऑफ गिवन नंबर्स मोड फाइन। तो जो वैल्यूज आएंगी कोमा सेपरेटेड वैल्यूज आएंगी उसको हम क्या करेंगे अलग अलग वेरिएबल्स में, यहाँ पे हमने उसको इनिशियलाइज कर दिया है और उसके बाद उन वेरिएबल्स को प्रिंट करा दिया है राइट। सो लेट अस एग्जीक्यूट दिस। देखो फर्स्ट नंबर ये पूछा है फर्स्ट नंबर, तो फर्स्ट लेट अस सपोज मेरा 4 है, सेकंड नंबर फिट मैं 2 ले लेती हूँ। अब यहाँ पे देखो आपका रिजल्ट आ गया है अलग अलग वेरिएबल्स में, सम ऑफ गिवन नंबर 6
right? Subtraction, see this. Sum of given number 6, subtraction of given number 2, 4 minus 2, okay? Then product आपका 8 आ गया, division आपका आ गया 2, right? Division क्या quotient है? ओके एंड मॉड्यूलस क्या होता है आपका रिमाइंडर वो आपका जीरो आया है और यहाँ पे क्लास आ गई है टपल फाइन तो जब आपका फंक्शन मल्टीपल वैल्यूज को रिटर्न करता है ओके किसी भी प्रोग्राम में आपका फंक्शन जब मल्टीपल वैल्यूज को रिटर्न करता है तो या तो आप उसको टपल वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं ओके राइट इन द फॉर्म ऑफ टपल यू कैन स्टोर ऑल द वैल्यूज इन वन वेरिएबल आप एक ही वेरिएबल के अंदर सारी वैल्यूज को स्टोर कर सकते हो इन द फॉर्म ऑफ टपल या फिर आप क्या कर सकते हो जो भी आपके पास कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज आ रही है उनको डिफरेंट डिफरेंट वेरिएबल्स में आप इनिशियलाइज कर सकते हो राइट सो इन दिस वे अ फंक्शन कैन रिटर्न मल्टीपल वैल्यूज इन पाइथन नाउ वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो विद नेक्स्ट टॉपिक इफ यू लाइक माई वीडियोज प्लीज लाइक इट शेयर इट एंड सब्सक्राइब माई चैनल थैंक यू